हेलो फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो में हमने व्यंजकों के गुणनखंड बनाना सीखा था और आज हम सीखेंगे व्यंजकों की भाग, डिवाइड करना, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जिस प्रकार हम नंबर्स को भाग कर सकते हैं, उसी तरह हम व्यंजकों को भी डिवाइड भाग कर सकते हैं। आइए देखिए, ये सिंपल एग्जांपल है जिसमें हमें एक पदी को एक पदी से भाग करना है। तो लेट अस स्टार्ट। हम लिखेंगे डिवीजन के बाद वाली जो रकम है उसे हर बनाना है और जो डिवीजन के साइन के पहले रकम है उसे अंश में लिखना है। इस तरह 12, ए की शक्ति 6, बी की शक्ति 5। फिर डिवाइड साइन आ गया, इसका मतलब हमने बटा बनाकर पिछली रकम को हर में लिख देना है। अब जिस तरह हमने पिछले वीडियो में देखा था, इन टर्म्स के अपने अपने गुणनखंड बनाएंगे। 12 के गुणनखंड हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ए की 6, शक्ति 6 को हम 6 बार खोलेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर बी की शक्ति 5, मतलब के बी को भी हम 5 बार लिखेंगे, बटा माइनस का 3, इसके गुणनखंड नहीं होंगे, ए की शक्ति 3, ए को 3 बार लिखना है। फिर बी की शक्ति 4, 4 बार बी लिख दिया हमने। नेक्स्ट, अब हम अंश और हर में मौजूद रकमों को कैंसिल करेंगे। इस तरह 3 से 3 कट गया, 1 ए, 1 और ए, इस तरह जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिलेशन हो सकती है, बी से बी गया, वो कैंसिलेशन हमने करनी है। और जो बाकी चीज़ हमारे पास अंश और हर में बची उसे लिख लेंगे। यहाँ बचता है 2 गुना 2 और आगे चल के 3 बार है ए और एक बार है बी, ए ए ए बी। और इस तरह हमने अंश लिख लिया। हर में हमारे पास सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, हमारे पास बचता है केवल माइनस। माइनस को हम अंश में ही ले आएंगे, तो हमारे पास फाइनल उत्तर बनता है माइनस का चिन्ह, 2 गुना 2 4, ए है हमारे पास 3, इसे हम लिखेंगे ए की शक्ति 3 और एक बार बी है। ये हमारे दिए गए व्यंजकों का भागफल आंसर आ गया है। इसी सम को करने का एक और तरीका है जो कि हम फार्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे। और यो फार्मूला है हमारे पास, अगर किसी रकम के आधार सेम हो और वो भाग में रकम दी गई है, डिवाइड करना है ऐसी रकम को जिसके आधार सेम हैं और जिसकी शक्ति घात जो है वो डिफरेंट है, तो ऐसे सम को इस तरह अगर चाहो तो खोलकर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ फार्मूला बनता है a की शक्ति m माइनस n। सिंपली हमने एक बार आधार लिख लेना है और शक्तियों को माइनस फॉर्म बनाकर लिख देना है। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा सम को सॉल्व करने का। तो आइए इसी सम पे ये फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हमने रकम लिख ली। नेक्स्ट है, अब सबसे पहले इन दोनों को कैंसिल करते हैं। 3 के टेबल में आएगा 12 4 पे जाके, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 3 जा 12 अपॉन माइनस 3। 12 को हमने फैक्टर बना लिए, 4 तिया 12 बटा 3। फिर आ गया a, अंश में है हर में है, हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ शक्ति अंश की है 6 माइनस हर की शक्ति है 3, 6 माइनस 3। सिमिलरली फिर नेक्स्ट है b, इस पे फार्मूला लगाया तो शक्तियों को माइनस के साइन में बनाकर लिख लेना है। नेक्स्ट 3 से 3 कट गया, माइनस अंश में ले गए, माइनस 4
ए की शक्ति तीन, बी की शक्ति एक, जिसे हम ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो हमारा आंसर एक बार फिर से सेम आ गया है। इट मीन्स हम चाहे इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लें, चाहे सम करने के लिए हम फॉर्मूला लगा लें, दोनों तरीके से आंसर सही है। आइए देखते हैं दो पदी की भाग एक पदी से। यहाँ हमारे पास अंश में दो टर्म्स हैं, तो पहला स्टेप वही रहेगा, डिवाइड के बाद वाली टर्म को हमने हर में लिखना है और जो पहले रकम दी है वो होगा हमारी ये भिन्न का अंश। इस तरह हमने अंश लिख लिया, डिवाइड पी क्यूब क्यू क्यूब। अगला स्टेप है इन दोनों को हम स्प्लिट करके लिखेंगे, अलग अलग लिख देंगे, पी क्यूब क्यू सिक्स बटा हर पी क्यूब क्यू थ्री, फिर ये साइन माइनस पी सिक्स क्यू क्यूब बटा फिर हर पी क्यूब क्यू क्यूब। अब ये हमारे पास डिवाइड होगा एक पदी का मेथड और वो हम लगाएंगे फॉर्मूला। उससे पहले पी क्यूब और पी क्यूब कैंसिल हो गया, क्यू की शक्ति आएगी, अंश में है सिक्स, हर में है थ्री और फॉर्मूला लगाकर हमने सिक्स माइनस थ्री बना लिया। फिर है माइनस का साइन, यहाँ क्यू क्यूब कटता है और पी की शक्ति होगी सिक्स माइनस थ्री, अंश की शक्ति माइनस हर की शक्ति। माइनस करके हमें अपने प्रश्न का रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। तो ये हमने दो पदी की जगह बहुपदी भी हो सकता था उसको डिवाइड करना सीखा है एक पदी के साथ। यहाँ पर डिवाइड के बाद वाली टर्म को हर बनाया तो रकम हुई नाइन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब थ्री जेड माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन एक्स वाई जेड माइनस एट। पहला स्टेप सेम रहेगा, देन नाइन और ट्वेंटी सेवन कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर फार्मूला लग जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर की टर्म का सॉल्यूशन क्या होगा आइए देखते हैं। यहां हम देख रहे हैं 24 के फैक्टर्स होते हैं 3, 8 जार 24 और इस टर्म में भी हमारे पास 3 है। इट मीन्स दोनों टर्म्स में से हम 3 को कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के बाहर रख देंगे। देखिए 9x स्क्वायर y क्यूब इंटू 3, यहाँ से हम कॉमन निकाल रहे हैं, पीछे है हमारे पास ब्रैकेट में 3 बाहर चला गया z, फिर माइनस का साइन, यहाँ से 3 बाहर चला गया तो पीछे रह जाएगा 8। इस तरह हमने बड़ी टर्म को कॉमन निकाल के स्मॉलर कर लिया है, अपॉन 27xy z माइनस 8। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, जिनको हम कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बाकी कैंसिलेशंस, 2 में से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा अंश में एक x, यहाँ y क्यूब है, यहाँ y एक है, तो माइनस करके पावर्स रह जाएंगी y की शक्ति 2। 9 के टेबल पे 27 कट गया, 9 threes are 27 और यहाँ अंश में 3 है, हर में 3 है, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास बचता है x y स्क्वायर और कुछ भी नहीं। तो ये हमारे दिए गए प्रश्न का भागफल है, जबकि हमें टर्म्स में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा था। इस तरीके से हम सम को सॉल्व करेंगे। एक और टाइप देखते हैं, हमारे पास सम दिया गया है जिसे हम भिन्न बनाकर लिखेंगे, जैसे कि हम पहले सम्स में भी लिखते आए हैं। पहली टर्म अपॉन भाग के साइन के बाद वाली टर्म हमने लिख ली है। तो इससे पहले सम में हमने यहाँ पर कॉमन निकाला था और कैंसिलेशन की थी, लेकिन यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा और हमें आइडेंटिटीज
याद हैं। फॉर्मूले ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला की टाइप, और हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें 9x स्क्वायर मिलेगा, माइनस 16y स्क्वायर को लिखेंगे 4y का स्क्वायर, 4 4 16 y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो हमने दी हुई ब्रैकेट को इस तरीके से फॉर्मूला बनाने के लिए कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे पास आ गया है a इज इक्वल टू 3x, क्योंकि ये इसके साथ कंपेयर करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर, तो a हुआ 3x, उसी तरह b हुआ 4y। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम फैक्टर्स बना लेंगे, आइए सामने चलते हैं, 12xy फॉर्मूला हो गया यहाँ, a प्लस बी 3x प्लस 4y ब्रैकेट 3x माइनस 4y अपॉन 4xy 3x प्लस 4y। यहां हमने डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं की है, कैंसलेशंस x के साथ x कट गया, y के साथ y, 4 3s are 12 और 3x प्लस 4y भी कैंसिल हो गया है, हमारे पास बचता है 3 ब्रैकेट 3x माइनस 4y। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर है। तो साथियों, आज हमने व्यंजकों की भाग में 4 तरीके के सम सीखे, उसी पर बेस्ड आपको कुछ और सम्स दिए जा रहे हैं जो कि आपको करने का यत्न करना है। पहले मेथड में हमने एक पदी को एक पदी से भाग किया था, फिर दो पदी को एक पदी से, फिर यहाँ पर हमने कॉमन निकालने का मेथड सीखा था, और फाइनली सीखा था फॉर्मूला मेथड। तो अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, इन सॉल्यूशंस को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर एंड वर्क हार्ड, बाय बाय।